मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। बिग बॉस के घर से बाहर हुई प्रियंका जग्गा ने आखिरकार अपनी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज पर चुप्पी तोड़ दी है। एक एंटरटेनमेंट चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनकी प्रेगनेंसी की खबरें गलत हैं। वो प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही उनका कोई मिसकैरेज हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, मैं बीमार थी और मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको बेड रेस्ट करना है, इस वजह से मैं कोई टास्क नहीं कर सकती थी। मुझे अपने आप को संभालने में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन घर वाले मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, सलमान खान के साथ हुई बदतमीजी पर भी उन्होंने बोला है कि वो सलमान खान के बर्थडे पर डांस प्रिपेयर नहीं कर सकती थी, जिस पर सलमान खान उनसे नाराज हो गए थे। बिग बॉस से बाहर होने के बाद उन्होंने इस बात पर भी खुलासा किया है कि उनके उनके पति के साथ संबंध मधुर हैं और ना ही कोई तलाक हुआ है, ना ही वो अलग रहती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बिग बॉस या कलर टीवी चाहेगा तो वो दोबारा उनके साथ काम करेंगी, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो भी उन्हें ये फैसला मंजूर है। आपको बता दूं कि सलमान खान ने प्रियंका जग्गा को घर से बाहर निकाल दिया था। प्रियंका जग्गा ने उनके साथ बदसलूकी की थी, जिसकी वजह से उन्हें बिग बॉस से बाहर निकलना पड़ा। इसके साथ साथ सलमान खान ने ये धमकी कलर्स चैनल को भी दी थी कि अगर प्रियंका जग्गा ने कभी भी जिंदगी में कलर्स टीवी या अंडमान के साथ काम किया तो वो कलर टीवी पर कोई भी शो या किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपने सारे संबंध तोड़ लेंगे। तो ये थी प्रियंका जग्गा म्यूज की खबरें बाहर जाने के बाद। बिग बॉस की अंदर की खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए फिल्मी बीट.com पर।